जी सर, अशरफ किधर है? सर, जब अशरफ से काम था तो मुझे क्यों बुलाया? अबे, अशरफ को मैंने अंडे लेने भेजा, वो गया या नहीं? बस आप तो अंडे नहीं खाते, तो फिर आपने अंडे क्यों मंगवाए? अबे खोते, आसपास अंडे की दुकान है कोई? नहीं। अबे मैंने अशरफ को कटाया है, अंडे लेने इसीलिए भेजा है। ओह, अब मैं समझा, कुछ राज और न्यास की बातें करनी है। अबे नहीं बे, मैं तुझ जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता। फिर क्यों बुलाया? यार छोटा सा काम है तुझसे, एक मिनट। असली डायमंड का नेकलेस है? आप मेरे काम से मुतासर होके ये गिफ्ट बतौर बोनस दे रहे हैं सर? अबे नहीं, ये नेकलेस अमाना के तौर पे दो चार दिन के लिए तेरे पास रखवा रहा हूँ। ओह, आई सी आई सी। मुझे लगता है सर आपकी गर्लफ्रेंड मी की बर्थडे आ रही है। हा? अबे हाँ यार। सर वैसे एक बात बोलूँ, मैं तो आपको एक नंबर समझ रहा था, आपने तो दो नंबर ही शुरू कर दी। आप तुझसे क्या पड़ता, मेरी दो ही तो कमजोरी है, पहली औरत, दूसरी खूबसूरत औरत। वेरी गुड बॉस। वैसे बॉस, आप तो औरतों की नफ्सियात के माहिर है ना? अबे ज्वेलरी औरत ही कमजोरी है, तेरी भाभी को मैंने ज्वेलरी के जरिए तो पटाया था। जाहिर सी बात है बॉस, भालू जैसी शक्ल है आपकी। क्या बोला बे? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अबे अशरफ के आने से पहले निकल ले, आज तेरी छुट्टी, और नेकलेस को अच्छी तरह छुपा के लेके जाना, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करनी है तूने इसकी, समझा? समझ गया बॉस। चल बे शक्ल गुम कर, आज तेरी छुट्टी, और बात सुन, कल भी तेरी छुट्टी, जा ऐश कर। कल तो वैसे भी संडे की छुट्टी है बॉस। अबे हाँ हाँ, जा रहे हैं, जा चल। अरे ये तरबियत है तेरी, ना सलाम ना दुआ, और सीधा चला ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी कैसे आ गया तू? नहीं वो मैं, हाँ याद आया, वो बॉस के काम से गया था ना, तो वो बॉस का काम हो गया और तो मैं आ गया। ओके और कुछ? और अशरफ कब आएंगे? वो अपने वक्त पे आएंगे। और कुछ? ये तो अपने पीछे हमसे कुछ छुपा रहा है ना? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं तो देख जन मुरीद कहीं के, जब से तेरी नौकरी लगी है ना, हमें अच्छी तरह पता है तू हर रोज कुछ ना कुछ छुपा के लाता है अपनी बीवी के लिए। आपको कैसे पता? रैपर से सब पता चल जाता है। और हमें हैरत इस बात की है कि माँ जी और अशरफ समझते हैं कि बेबी डाइट कर रही है। अब मैं जाऊँ? नहीं, आज कस्टम कराए बगैर तुझे हरगिज नहीं जाने देंगे। रैपर से पूछ लीजिएगा ना। सन मुरीद कहीं का हमें तंज मार गया, अपनों से क्या शिकवा, गैरों में ही दम था, कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। कुछ नहीं कुछ नहीं। आगा दिखा दो मुझे, क्या है तुम्हारे हाथ में? नहीं मैंने नहीं दिखाना। आगा आगा तुम नहीं दिखाओगे ना, तुम खुद ही देख। नहीं ये खूबसूरत नेकलेस डायमंड का है। आई लव यू आगा, मुझे पता था मेरी बर्थडे पे ना तुमने मुझे कोई बम्पर सरप्राइज देना है। नहीं। अरे तुम इसलिए नर्वस हो रहे हो ना कि तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया, दफा करो भाई, मुझे देखो मैं कितनी खुश हूँ, तुमने आगा मेरा वो वाला ख्वाब पूरा किया जो मैं पैदा होने से भी शायद पहले का देखती आ रही हूँ। बेबी डार्लिंग ये नेकलेस बॉस। हाँ हाँ रहने दो, अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारे बॉस की वो जो मनहूस बीवी है ना, उसके पास भी ऐसा ही नेकलेस था, पार्टी करके सबको बुला के शोए मार मार के दिखा रही थी। हाँ मुझे याद है, और तुम उसमें जेलस फील कर रही, नाराज भी हो गई थी उस पार्टी में। जाहिर सी बात है आगा, अब जब एक बंदा अपना नेकलेस दिखाएगा तो बंदा नाराज नहीं होगा। और लोग ना बॉस की बीवी के बजाय नेकलेस देख रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। अरे वो तो बॉस की बीवी की चीप हरकत थी, भला ऐसा कौन करता है? मैं। क्या? हाँ वो चीप हरकत ना मैं करूंगी, और पूरी दुनिया में अनाउंस करूंगी कि मेरा शोहर दुनिया का बेस्ट शोहर है। नहीं बेबी डार्लिंग, खुदा के लिए ऐसा मत करना प्लीज। मैं तो ऐसा ही करूंगी। हाँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को ना कोई खतरा हो। आहू, जिस लड़की का तुम जैसा प्यार करने वाला शोहर हो उसको कहाँ खतरा हो सकता है? तुम ये नेकलेस पहन के बाहर जाओगी, क्या हो गया बेबी डाले? आजकल के हालात ही देखे, चोरी डकैती क्या क्या कुछ हो रहा है। ये तो है। और तुम एक वादा करो, तुम ये नेकलेस पहन के बाहर नहीं जाओगी प्लीज। वादा। ए गुड गर्ल। ये पकड़ना। अब जाके पता है क्या करूंगी,
भाभी को जलाऊंगी। तुमने वादा किया था कि तुम पहन के बाहर नहीं जाओगी बेबी डालने। या अल्लाह तू सब जानता है, या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है। ये लड़की ने ना मेरी नौकरी छुड़वा के रहेगी। क्या हुआ भाभी, किसका इंतजार कर रही है? अशरफ का, पिछले 5 सीन से नहीं आए। अरे भाई टेंशन लेने की क्या बात है, आ जाएंगे। बात सुन। अरे बेबी ये नेकलेस तूने कब लिया? अच्छा लग रहा है ना? सूखी साड़ी गर्दन पे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन तुझ पे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। 300-400 रुपए का तो होगा ना? एक्सक्यूज मी, वैसे तो तू बड़ा कहती है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने वाले बहुत पेंडू लगते हैं। भाभी ये डायमंड्स का है प्लीज। डायमंड बोले तो हीरा। आई लव, कितनी पेंडू है भाभी। हीरा सुनने में बहुत चीप लगता है, हीरा और डायमंड में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? बस होता है ना। सुनिए मेरे दिमाग में ना अभी एक आइडिया आया है। वो क्या? कल मैं अपना बर्थडे मना रही हूँ धूमधाम से। बर्थडे मतलब हैप्पी बर्थडे? लेकिन अभी पिछले दिनों तो मनाई थी तूने अपनी सालगिरह। जी सालगिरह, अमीर औरतें गिफ्ट लेने के बाद हर साल में ना कुछ 4-5 दफा तो सालगिरह मनाती हैं। देख बेबी हमसे कुछ पकवाने वकवाने की फरमाइश मत करना, हमें अब जान नहीं रही है वैसे भी। जाहिर है नेकलेस देख के तो आपकी आधी जान वैसे ही निकल गई होगी। माँ जी आज तो मैं आपको सलाम भी नहीं कर सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ। माँ जी तेरा इतना लेट क्यों आया है? मैं बताता हूँ माँ जी, अच्छा सवाल है ये। माँ जी आगा ना मुझे दफ्तर में छोड़ के भाग आया, मैं पैदल आया हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। तेरी अकल भी पैदल है, रिक्शा पकड़ के यहाँ आ जाता है, इधर से किराया दे देता। रिक्शा तो माँ जी दूर दूर तक कोई नहीं था, मैंने तो फिर ये भी कोशिश की कि कोई कुत्ता पकड़ लूँ उस पे बैठ के चला जाऊँ, कुत्ता भी कोई नहीं काबू आया। माँ जी मुझे फिर पैदल आना। माँ जी ये रिक्शे वाला ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसलिए कि तेरा दिमाग जो है ना तेरे बटुए की तरह खाली है। माँ जी मुझे याद आया, मैंने पर्स में ना 200 रुपए ना ऐसे पुड़ी बना के लुकाए हुए थे, वो किसी ने चोरी कर, किसी ने नहीं माँ जी शगुफ्ता ने, शगुफ्ता ने। अब बीवियां अपने शहरों के बटुए में से ना पैसे निकालती हैं। माँ जी आप भी अब्बा जी के पर्स से पैसे निकाला करते थे? बड़े मुँह तेरा। सलाम अलैकुम माँ जी। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी आप मेरे शोहर आगा शिराज को निकम्मा आदमी समझती थी ना? हाँ। ये देखिए नेकलेस प्योर डायमंड्स का है ये। बेबी प्योर डायमंड? ये हीरे की कोई नई किस्म निकली है? अरे भाईजान आपको पता है इस नेकलेस की 4-5 लाख कीमत है। लो जी फिर तो कंफर्म हो गया माँ जी, उस फ्रॉडिये ने जरूर कोई 2 नंबर काम किया है। भले से उसने 2 नंबर ही की हो, शोहर 1 नंबर का है और नेकलेस भी 1 नंबर का ही है। बस तू खुश है ना, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ मां जी मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी के मौके पे मैंने अपना बर्थडे ना अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मनाना है, और मैंने सबको कॉल भी कर दी है, सब आ रही है कल। ये ठीक है भाईजान, आप कल लंच पे भाभी के साथ इन्वाइटेड है, और माँ जी आप भी। लंच पे क्यों इन्वाइट किया है, उन्हें डिनर पर इन्वाइट करना था ना। अरे माँ जी आप कितनी शादी है यार, डिनर पे कैसे बुला सकती हूँ? अगर बिजली चलेगी तो मेरा नेकलेस कौन देखेगा? उठिए अशरफ, अशरफ। क्या हुआ शगुफ्ता, तुमने कोई भयानक सपना देखा है? सपना भयानक तो हम आपको दिखाएंगे अब। क्या है, क्यों, खैरियत है? अशरफ जब हम नहीं सोए तो आप क्यों सोएंगे? क्यों, बेख्वाबी की शिकायत है, क्या वजह है? बहुत बड़ी वजह। अच्छा आपने वो नेकलेस देखा जो आगा ने बेबी को गिफ्ट किया है? हाँ मैं देखा। अच्छा हमें भी बिल्कुल वही नेकलेस चाहिए। अच्छा अभी और इसी वक्त चाहिए। प्यारी शिकायत, मैं इस वक्त नेकलेस कहाँ से लाऊंगा? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमें नेकलेस अभी और इसी वक्त चाहिए। जब तक हम वो नेकलेस नहीं पहनेंगे हमें नींद नहीं आएगी। सुबह दुकानें खुलेंगे ना तो मैं तुम्हें नेकलेस ला दूंगा, उसकी फर्स्ट कॉपी। अशरफ हमें वही नेकलेस चाहिए। वही क्यों? वट्टा सट्टा, जो वहाँ होगा वही यहाँ होगा। शगुफ्ता वो नेकलेस को 4-5 लाख रुपए का है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। हम नहीं जानते, किसी भी तरह से लेके आए, हमें वही नेकलेस चाहिए। प्यारी शगुफ्ता मैं ना आगा की तरह 2 नंबर ही नहीं कर सकता। उस नेकलेस के लिए आपको जो भी करना पड़े ना कीजिए, हमें वो नेकलेस ला के दीजिए। कान खोल के सुन लो, मैं चोरी डाका नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं। चलिए ठीक है, निकलिए कमरे। क्या मतलब? ये तकिया लेके जाइए और निकलिए कमरे से। चलिए शगुफ्ता तुम एक छोटे से नेकलेस के लिए मुझे कमरे से निकाल रही हो? अभी तो सिर्फ कमरे से निकाल रहे हैं,
अगर हमें नेकलेस ना मिला तो आपको हम दिल से भी निकाल देंगे। नहीं शगुफ्ता, ऐसा ना करना, शगुफ्ता ऐसा ना करना। माँ जी, हेलो, हाय फौजिया, नौशीन बोल रही हूँ। सुनो, कल मेरी बर्थडे है तो तुम लंच पे इनवाइटेड हो, जरूर आना। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, बाय। हेलो, हाँ सुनो यार, कल मेरी बर्थडे है, तुमने जरूर आना है, लंच मेरे साथ करना। अरे नहीं भाई, तुम्हें तो पता है ना, डिनर मैं आगा के साथ करती हूँ। हाँ, कैंडल लाइट डिनर, लेकिन लंच तुमने मेरे साथ ही करना है, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। किसको कॉल करूँ, किसको कॉल करूँ? हाँ, हेलो, सलाम अलैकुम। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतनी लेट कॉल कर रही हूँ। एक्चुअली कल ना मेरी बर्थडे है जी, तो जाहिर सी बात है अब आपके बगैर तो बर्थडे मनाई जाएगी नहीं। आपने आना है जरूर, लंच पे। ओके, बाय। इंसान, तेरी वजह से मुझे रात भर यहाँ सोना पड़ा मच्छरों के साथ। ओए, तुमने बेबी को हीरे का नेकलेस क्यों दिया? अरे वाह, बेबी डार्लिंग मेरी वाइफ है, बेबी डार्लिंग मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ पार्टनर है। मैं उसको नेकलेस ही दूंगा तो किसको दूंगा? घटिया इंसान। एक मिनट भाईजान, मेरा भी डायलॉग कंटिन्यू है। अच्छा, मैं समझा खत्म हो गया। मैं एक बात बताऊं ना आपको, मैं बेबी डार्लिंग से ना इतनी मोहब्बत करता हूं कि मरने के बाद ना उसके लिए ताजमहल बनाऊंगा। अरे मैंने तो जमीन भी देख ली उसके लिए। घटिया इंसान, बेबी के मरने के बाद भी तुम मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा करोगे? मैंने क्या प्रॉब्लम पैदा कर दी? गल सुने आगे, हमारी बटे सिटे की शादी है। तुम जब नौशीन को कोई तोहफा देते हो ना, तो ये जो शगुफ्ता है ये मुझ पे खामखा का प्रेशर डाल देती है। तो वो बेबी को गिफ्ट देने से पहले कम से कम मुझसे मशवरा ही कर लिया कर। बस इतनी सी बात? ओए कटिया इंसान, ये मामूली बात नहीं है। आज बेबी अपना बर्थडे मना रही है। बर्थडे? ये बेबी साल में दो दफा कैसे पैदा हो सकती है? ओए खोतिया, बेबी ने ना अपनी सहेलियों को लंच पे इनवाइट भी कर लिया है। ओ नो, मारे गए। ओए मुझे तो ये टेंशन हो रही है आगा कि अब बेबी के साथ साथ ना शगुफ्ता भी अपनी 16वीं सालगिरह मनाएगी। पिछले कई सालों से मना रही है वो 16वीं सालगिरह अपनी। नहीं भजन, बेबी को ना ये पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, वरना। वरना क्या? आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी टेंशन हो जाएगी। टेंशन हो जाएगी? बेबी की बर्थडे से टेंशन का क्या सवाल पैदा हुआ? कुछ समझ नहीं आई। बेबी डार्लिंग, ये तुम बर्थडे पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है। तो फोन करके मना कर दो फौरन। नामुमकिन। मुझे पता है, मुझे पता है तुम ये पार्टी ना नेकलेस दिखाने के लिए कर रही हो। हाँ, तो बुरी बात है। क्यों? बर्थडे मनाना बुरी बात होती है क्या? अरे नहीं बेबी डार्लिंग, नुमाइश करना बुरी बात है। अरे बा भाई, 3 सालों में पहली दफा तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिया है, लोगों को दिखाऊं ना? खालदा की बर्थडे पे उसके हस्बैंड ने उसको वो नाक वाली लॉन्ग दी थी, उसने इतनी बड़ी पार्टी रखी थी और शो मारा था। अब मैं लोगों को बताऊंगी कि गिफ्ट होता क्या है। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना बाजी रूट कर बैठी हुई है। सॉरी आगा, रूट के नहीं बल्कि जल भुन के बैठी है। अभी तो बहुत सारे लोग ना पॉपकॉर्न बनने वाले। तुम सिचुएशन को समझो ना यार, प्लीज। आगा यू नो व्हाट, तुम सिचुएशन और मेरी खुशी नहीं समझ रहे। पार्टी करने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लेती, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है अभी। अरे डोंट वरी, मेरे पास है ना, वो कॉर्नर पे है ना बिरयानी वाला, उससे 50-50 रुपए की बिरयानियां मंगवा लेंगे, सिंपल। मतलब तुम बर्थडे पार्टी बना कर ही रहोगी? हाँ हाँ। अरे हाँ आगा सुनो, एक बात याद आई है, तुम ऐसे बड़े खुश होगे, मैंने तुम्हारे बॉस और उसकी बीवी को भी इनवाइट किया। क्या? बॉस और उसकी वाइफ को? अबे आखिरकार अब खटिया खड़ी होके रहेगी तेरी। अबे यार, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? हाँ याद आया, वो बॉस ने मुझे काम दिया था, वो करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, कब तक वापस आओगे? मैं तकरीबन बॉस के जाने के बाद ही अब आऊंगा। बॉस ने जो मुझे काम दिया था ना, मैं वो करने के बाद आऊंगा, ठीक है? जब बॉस चले जाए ना तो मैं तुमको फोन करूंगा और फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ओके बाय बाय। ए, 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 ए,
हो तुम, तुमको कैसे मनाए पिया, बोलो ना बोलो ना। शगुफ्ता मेरी प्यारी शगुफ्ता, मैंने जो तुमसे वादा किया ना मैं जरूर पूरा करूंगा। हमने कह दिया ना हमें वही नेकलेस चाहिए तो वही चाहिए। लो शगुफ्ता, ये तो बहुत छोटी सी मासूम सी बात है, तुम ऐसा करना समझो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें नेकलेस मिल गया, मैंने कर लेता आऊंगा। नहीं बल्कि ऐसा करते शगुफ्ता, तो मेरे साथ चलना, जाके चेक करना कोई हीरा कोई नग उसमें कम तो नहीं है, पसंद करके लेना। सच? मुझ वादा? पक्का वादा शगुफ्ता। अच्छा शगुफ्ता बात सुनो, अब तुम इससे ना वादा करो कि तुम ना बेबी की सालगिरह में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी। हम थोड़ी करते हैं, हमसे हो जाती है। शगुफ्ता शगुफ्ता तुम बहुत प्यारी हो। अब देखिएगा जब हम वो नेकलेस पहनेंगे ना तो हम और भी ज्यादा प्यारे लगेंगे। बस ठीक है फिर, चलो फिर ना जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर ले हैं। हाँ, चलो आपके कपड़े। आजा आजा, लेडीज फर्स्ट। ए मिस्टर फ्रॉडी। जी जी माजी। इधर है मेरे पास, बहुत जल्दी में है तू। जी 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 जी, जी जल्दी में हूँ। लंच लेने जा रहा है जी। मेरे लिए ना फिश फ्राई जो है ना वो जरूर लेकर आना जी। तूने जो बेबी को गिफ्ट दिया है ना मुझे बड़ी खुशी हुई है जी। वो सास के भी कोई हकूक होते हैं। हाँ जी। कभी कभी गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है। हाँ हाँ जी। कभी छोटे मोटे गिफ्ट मुझे भी दे दिया कर, वैसे मुझे डायमंड बहुत पसंद है। दरवाजा खोलने के बजाय अंदर क्यों भाग गया? अरे भाई ठहरो ठहरो, मैं आ रही हूँ, दरवाजा ना तोड़ देना। हाँ सबर करो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ जाओ, कौन है? क्या घंटी खराब है? घंटी तो खराब है लेकिन सलाम दुआ भी ले लिया करते हैं। ओ सलाम बाजी, ये मेरी अव्वल और आखिर बीवी है। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो बेटी, खुश रहो। मुश्किल है। चलिए आइए अंदर, चलिए आइए। अब अगर तुमने भीगी बिल्ली की तरह रिएक्ट किया तो आई स्वेयर मैं सचमुच में तुमसे नाराज हो जाऊंगी, और वो भी हमेशा के लिए। नाराज तुम मुझसे? आगा जल्दी से तैयार हो जाओ, और ये मेरा आखिरी ऑर्डर है, समझे? नहीं मैंने नहीं होना। आगा जस्ट शट अप, गो एंड गेट रेडी। ये क्या चीप किस्म का भैया है मेरा? अशरफ और आगा दफ्तर में ठीक काम कर रहे हैं ना? हाँ इमाजी बस काम चल रहा है। वैसे तो बॉस आप जल्दी आ गए पर कोई बात नहीं, हमारी खवातीन ना अभी तैयार हो रही हैं। इनको हर उस जगह जाने की जल्दी होती है जहाँ मुफ्ते का इंतजाम हो। मजाक करने की आदत है बेगम की। ये मजाक में भी सच बोलती हैं। अच्छा बॉस ये बताएं आप ठंडा लेंगे या? ठंडे में क्या क्या है जी? हमारी जो पिंक बोतल है उसमें ठंडा पानी है, जो ग्रीन बोतल है उसमें भी ठंडा पानी है, जो रेड बोतल रखी हुई है उसमें भी ठंडा पानी है, कौन सा रंग लेंगे? ऐसा करो सारी बोतलों का पानी मिक्स करके एक कॉकटेल बना के ले आओ। भाभी जी मैंने ना आपसे बॉस की एक शिकायत करनी है। जी जी बोलिए। भाभी जी मैं ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता हूँ पर पगार जो है ना ये मुझे आगा से कम देते हैं। पगार? ये क्या बला है? सैलरी बेगम, सैलरी। तुम्हारा ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सैलरी की जगह पगार देते हैं? भाभी जी एक बात बताएं, आपकी अबूजी ना बीना है? अल्लाह ना करे। नहीं तो? नहीं तो, तो फिर आपकी बॉस से शादी कैसे हो गई? अबे अबे पानी लेकर आ। अबे और तबे मैंने हने ले आया, हने ले। आदा वादा वादा। हेलो हेलो हेलो। ये नेकलेस आपको अच्छा लगा? लेकिन ये तो मेरा नेकलेस है। अबे मरवा दिया आगा तूने? क्या? हाँ वो ना बॉस ने मुझे अमानत के तौर पर मेरे पास रखवाया था अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए। उतारो मेरा नेकलेस। और तुम? तुम्हें तो मैं घर जाके देखूंगी। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा नेकलेस चोरी हो गया है और ये तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए रखा था, हैं? उठो उठो पकड़ो मेरा पर्स। तुम्हें तो मैं घर जाके ठीक कर दूंगी। उठो उठो दो मेरा नेकलेस पहनोगी। चलो चलो चलो। अब के बच्चे माँ जी।